स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरु जी के एक फ्रेश वीडियो में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई पे हॉस्पिटल जॉब्स के बारे में। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। यूजुअली मैं वीडियो बनाता हूँ मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में, मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में, लेकिन ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई पे हॉस्पिटल जॉब्स के बारे में। लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि डॉक्टर को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। हाँ, उनकी सैलरी ज्यादा होती है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर के अलावा भी काफी सारी ऐसी पोजिशंस है जहां पे सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। तो वही पोजिशंस के बारे में ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। अब दोस्तों, ये जो कोर्स है वो थोड़ा सा टफ है, उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर आप ये कोर्स करते हो तो स्टार्टिंग सैलरी आप मिनिमम 50,000 पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिनिमम 50,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। ये कोर्स थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कोर्स है और हर एक अच्छी हॉस्पिटल में रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर होता ही होता है। अगर वो कैंसर सेंटर है तो होगा ही होगा। उसके बाद दूसरा जो प्रोफेशन है वो है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट। अब न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का मेन काम होता है पैट सीटी या गामा कैमरा जो है वो ऑपरेट करना। अब दोस्तों, ये भी एक बहुत ही अच्छी पे स्केल वाली जॉब है। अब आप सोचिए, एक पैट सीटी जब परफॉर्म होता है तो उसका कॉस्ट समवेयर अराउंड 20,000 to 25,000 है। तो सोचिए, जो उसको परफॉर्म कर रहा है उसकी सैलरी तो अच्छी होगी ही होगी। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं एमआरआई टेक्नीशियन के बारे में। अब यहाँ पे दोस्तों, मैं एक्सरे एंड सीटी टेक्नीशियन नहीं कह रहा हूं, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ एमआरआई टेक्नीशियन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हो तो अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। दोस्तों, वहां पे कंपटीशन जो है बहुत ही टफ है। अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स करोगे तो वहां पे आपको सीटी स्कैन भी करना पड़ेगा, पोर्टेबल एक्सरे भी करना पड़ेगा, फिक्स एक्सरे भी करना पड़ेगा, फ्लूरोस्कोपी भी करना पड़ेगा। काम बहुत ज्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से सैलरी भी आपको कम मिलेगी। लेकिन अगर आप उस फील्ड में भी अगर आप 5-7 साल निकालते हो तो अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एमआरआई टेक्नीशियन का कोर्स करते हो तो वहां पे कंपटीशन कम है, सैलरी अच्छी है, क्योंकि वहां पे आपको ऐसा नहीं कहेगा कि आप एमआरआई परफॉर्म कर रहे हो तो जाके एक्सरे भी कीजिए, क्योंकि वहां पे जो दो मोडालिटीज है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। तो एमआरआई टेक्नीशियन की सैलरी भी अच्छी होती है। उसके बाद में बात करना चाहूंगा परफ्यूजनिस्ट के बारे में। अब दोस्तों, हॉस्पिटल में अगर आपको नहीं पता है परफ्यूजनिस्ट क्या है तो मैं बता देता हूं कि परफ्यूजनिस्ट की जॉब ये है कि हार्ट लंग मशीन को उसे ऑपरेट करना होता है। अब जब कार्डियक सर्जरी होती है तब हार्ट लंग मशीन का यूज होता है। तो सोचिए कि कितनी मेजर सर्जरी हुई है तब आपका काम है, तो वहां पे भी अच्छी सैलरी मिलती है। उसके बाद में बात करना चाहता हूं मेरे खुद के प्रोफेशन का, जो है बायोमेडिकल इंजीनियर। अगर आपको ये कोर्स करना है तो 12th साइंस करना पड़ेगा, उसके बाद 4-ईयर डिग्री कोर्स है ये। दोस्तों, मेरी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि इनिशियल फेज में बहुत ही अच्छी सैलरी मिल जाती है, लेकिन अगर आपको एक अच्छी सैलरी चाहिए तो 2-3 साल में आप अच्छी सैलरी लेने लगोगे अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियर बनते हो तो। यहाँ पे 2-3 साल में वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो डिपेंड करता है आप पे। अगर आप अच्छे हाइक्स ले रहे हो, अगर आप नॉलेज बढ़ा रहे हो तो जल्दी से भी आप आगे जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो और उसके बाद आपको 10 साल लग जाएगी एक अच्छी सैलरी पे पहुंचने के लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप नॉलेज इंक्रीज करते हो, अगर आप सीख रहे हो तो जल्दी से ही आपको एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी। दोस्तों, हॉस्पिटल में ये 5 ऐसे प्रोफेशन है जहां पे अच्छी सैलरी मिलती है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन है, जैसे कि ऑपरेशन हेड है, नॉन ऑपरेशन हेड है, और फाइनेंस मैनेजर है, नर्सिंग इंचार्ज है, ओटी इंचार्ज है। ये सारे लोगों की सैलरी अच्छी होती है, लेकिन वो पोजीशन लेने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। मिनिमम 8 to 9 years का एक्सपीरियंस लगता है, तब जाके आपको वो पोजीशन मिलती है। तो उसमें बहुत ही टाइम लग जाता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बहुत कंपटीशन भी ज्यादा है। दोस्तों, जो 5 प्रोफेशन मैंने आपको बताए उसमें आप शॉर्ट टाइम में एक अच्छी पोजीशन तक जा सकते हो, एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हो। तो अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि सिर्फ डॉक्टर की अच्छी सैलरी होती है हॉस्पिटल में, सिर्फ डॉक्टर की अच्छी सैलरी होती है, तो ऐसा नहीं है। ये 5 प्रोफेशन में भी लोगों को अच्छी सैलरी मिलती है। दोस्तों, ये बस ये वीडियो में इतना ही। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जाने वाला है। ये वीडियो में कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, कोई भी ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल फील्ड में काम करता हूँ और मुझे कुछ ईमेल्स भी आए थे स्टूडेंट्स के, तो मैंने सोचा ना ही एक वीडियो ही बनाए दूं और सबको ये इन्फॉर्मेशन मैं दूं।
बस दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा, शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी समझ सके कि हॉस्पिटल में डॉक्टर के अलावा भी काफी सारे ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है। तो अभी शेयर कीजिए वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। ना जाने किसको ये वीडियो पसंद आ जाए, ना जाने कौन ये वीडियो देख के अपना स्ट्रीम बदल ले और उसको अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाए। दोस्तों से आप ये वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स के साथ। दोस्तों ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो जल्दी से ही एक फ्रेश कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।